हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहारी ब्लॉग और पूजा, और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, अभी है सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बन चुका है। और ब्रेकफास्ट बनने के बाद मेरे जो किचन का हाल है कुछ ऐसा, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां भी आ रखी है और बहुत सारे, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं तो इसलिए पूरा किचन जो है वो मैसी हो रखा है। तो अब मैं किचन को क्लीन करूँगी, तो सारी चीज़ें जो है वो मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, रख रही हूँ। और बाकी का आप खुद ही देखिए, खुद ही एंजॉय कीजिए म्यूजिक के साथ। ये सब देख लो, इतनी सारी सब्जियां आ रखी है। इसमें मटर है, इसमें गोभी है, सब्जी है, ऑरेंज है। सब अभी सब सारी सब्जियों को जो है वो मैं अभी वॉश करूंगी। टमाटर, ये है पपाया है जो कि अभी हम लोग खाने वाले हैं। अभी हस्बैंड को और बच्चों को दिया था, बच्चों ने सिर्फ आरबी ने खाया है और पूरा पका हुआ नहीं, इसलिए ये कुछ इस तरीके से इसका हाल है। तो किचन जो है वो मेरा ऑलमोस्ट क्लीन है, बस नीचे थोड़ी सी पानी गिर गई तो इसमें पोछा लगा दूं, दैट्स इट। तो किचन हो गया क्लीन। मम्मी क्या हुआ? ग्रेप्स था वो, अभी वॉश करेंगे ग्रेप्स को। तो गाइस, ये रहा मेरा कोकोनट वाटर, तो मैं इसको पी लेती हूँ। और अब हम चलते हैं फिर से किचन ड्यूटी में। आज मैं खाने जा रही हूँ पपाया, तो ये रहा, मैं खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। इंडिया, आप अपनी फनी रील्स बनाकर हमारे साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे फ्रूट्स मैंने वॉश करके रख दिए हैं एंड
वेजिटेबल वॉश करके फ्रिज में रख दिए हैं। यहाँ पे हमारा सैलेड कट गया है क्योंकि हमने लंच भी बना लिया, जो कि आप लोगों के साथ कुछ भी। यहाँ पे राइस है, दाल है, और मेरा कुकर का भी ऐसा होता है कि जब सीटी मारता है तो पूरा ये बह जाता है। और इधर मैंने बनाया है आलू मटर की सब्जी। तो ये है हमारा सिंपल सा इंडियन लंच। देखो अभी पैक करी मैं हस्बैंड के लिए लंच। उनका होता है कि थोड़ा थोड़ा ही मुझे देना, क्योंकि वो खाने में नहीं बनता, इसलिए वो बोलते कि थोड़ा थोड़ा राइस जो है वो दो टिफिन में करके देना। तो आप देख सकते हो मैंने आधे से भी कम कम दिया है इनको लंच में, ताकि वो इजीली इसमें खा सकें। दाल चावल सब्जी चल हाँ ध्यान से। घी चावल में डलता है, दाल नहीं, दाल में बटर डलता है। चलो इसको अभी लेकर जाओ। अरे नहीं उठा नहीं पाऊंगी, आंटी लेकर जाओ। सो गाइस ये रहा मेरा लंच, दाल सब्जी सैलेड और चावल, और प्रॉपर इंडियन लंच है ये देखिए। तो मैं जा रही हूँ लंच करने। सो गाइस ये है सरस्वती पूजा का प्रसाद, जो कि मोहल्ले में हमारी सरस्वती माँ बैठती हैं, तो उनका प्रसाद है। तो अभी देखे गए हैं इसमें से, और लड्डू और प्रसाद बच्चों ने ले लिया है।
सो गाइस, मैंने सरस्वती पूजा ब्लॉग जो है वो बहुत ही छोटा सा डाला था और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि उस दिन मेरे बड़े पापा की 13वीं थी, तो इसलिए मैं बहुत जेतीबाजी में थी, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा किया था। वैसे तो मैं पूजा करने वाली भी नहीं थी, लेकिन 13वीं वाले दिन जो होता है वो भगवान जी में मिल जाता है, तो मुझे वैसे भी 3 दिन का ही था, तो मैंने सोचा कि मतलब कि साल का पहला होली हो जाता है, सरस्वती पूजा को पहली होली मानते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ अबीर जो है वो ही अर्पित कर देती हूँ सरस्वती माँ को और ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ। फिर जब छत पे गई तो छत पे देखा कि भगवान जी को चढ़ाए हुए पैसे भी पड़े हुए थे, तो फिर मैंने बच्चों को बोला कि जाकर प्रसाद लेकर आओ और जल्दी जल्दी में मैंने पूजा किया, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं किया था। तो अभी जब मैं वीडियो एंड कर रही थी तो मैंने देखा, जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ तो मैंने देखा कि अभी उस क्लिप और भी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि वीडियो को एंड कर दूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सो आई होप आप लोगों को मेरा आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, क्योंकि ये 2 दिन का वीडियो है, एक दिन जो आप लोगों ने सारे क्लिप्स देखे वो 1 दिन का है और सरस्वती पूजा 2 दिन बाद था। तो सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है, मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ तो मैं नहाने जा रही हूँ।